तो पीएमओना सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा जयश्रुत्या। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 5 अप्रैल को स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरीज और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन को लिखते हुए कहा है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के द्वारा होममेड फेस और माउथ कवर्स की स्टिचिंग को फैसिलिटेट किया जाए। ये कवर्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया है, प्राइमरीली एक्ट करते हैं एज ए एडिशनल बैरियर, एज ए हाइजीन मेथड, एंड इन जब कवर को यूज किया जाए तो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस उनको डेफिनेटली फॉलो किया जाए और ये प्राइमरीली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की जनता के लिए यूजफुल रहेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये फेस कवर्स डिफरेंट हैं जो मास्क हम लोगों ने उसके बारे में जिसके बारे में हमने डिटेल्ड एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की हुई है। लास्ट 13 दिनों में अगर आप देखें तो भारतीय रेलवे ने 1340 वैगन्स के द्वारा शुगर और 958 वैगन्स के द्वारा सॉल्ट और 316 वैगन्स और टैंक के द्वारा एडिबल ऑयल को देश के विभिन्न एरिया में ट्रांसपोर्ट भी किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के हर हिस्से के लिए फूड ग्रीन स्टॉक्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट को भी टाई अप किया जा रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में देश भर में लगभग 16.94 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स के द्वारा हमने उनको 605 राज्य तादाद में पाए जा रहे हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हम आज स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में हैं। व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि हमारा जो एक्शन है, हम स्टेज 3 पर शिफ्ट ना हो, हम स्टेज 3 पर ना पहुंचे और उससे लिंक्ड हमें एक्शन लेने हैं, उसके लिए हम अफर्ट करें। इतने बड़े देश में अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट में ज्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट की हमारी क्लियरली डिफाइंड स्ट्रैटेजीज हैं और उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। प्रशांत सर, दो सवाल है सर, एक आपसे है, एक आज खबर आई है कि 80% केसेस जो हैं पॉजिटिव केसेस वो देश के 62 जिलों में है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएं कौन से जिले हैं, किन राज्यों में कम से कम है। दूसरा सर आपसे है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर अमेरिका सहित कई देशों से उसकी डिमांड आ रही है सर, तो क्या कोई आप लोग परिवर्तन कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में और क्या इसका आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं क्या इस दवा को इस बीमारी के लिए? सो सर, लेट मी रिस्पॉन्ड टू योर फर्स्ट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू कहाँ पर जो सो कॉल्ड हमारे आइदर यू कैन यूज द वर्ड हॉटस्पॉट और यू कैन यूज द वर्ड विच आर आर फोकस एरियाज। तो हम लोग आप लोगों को भी डेटा जो प्रोवाइड करते हैं उसमें हम कई बार बताते हैं आपको किस जिले में कितने केसेस पाए गए और उसके तहत जिन जिलों में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उन पर हमारा इंटरवेंशन और फोकस उतना ही बढ़ जाता है जिसको शायद आप हॉटस्पॉट की टर्मिनोलॉजी में यूज़ करना चाह रहे हैं। और उसके तहत ही ये नंबर कॉन्स्टेंट नहीं है, जैसे आपकी नॉलेज में है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आज केसेस ज़्यादा आए, उसके बाद क्या होता है कि हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज के तहत वहाँ पर, जैसे अभी हमारी एक मित्र ने भीलवाड़ा की एग्जांपल दी, तो उस केस में वहाँ पर जब हम कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी करते हैं तो वहाँ पर केसेस कम हो जाते हैं, तो दैट डज नॉट रिमेन आर हॉटस्पॉट। और इसी तरीके से अगर किसी और कारणवश से किसी और जिले में किसी और टाउन में एडिशनल केसेस आते हैं दैट टर्न्स इनटू ए हॉटस्पॉट फॉर अस। And for all these districts, which number is not actually constant, with the number you are quoting is not correct, हमारे हिसाब से जैसे मैंने आपको कई बार पहले बताया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि हमारे लिए तो एक भी केस हॉटस्पॉट है, केवल हमारा इंटेंसिटी ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ केसेज इन ए पर्टिकुलर एरिया वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये नंबर कॉन्स्टेंट नहीं है, ये नंबर आप सबकी नॉलेज में भी है और इस नंबर के तहत जहां भी हमारे केसेज आते हैं आर फोकस इज ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। Wait, part 2. He is answering part 2. Just wait. Yeah. वही answer कर रहे हैं, just wait. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का फिर एक बार दोहराता हूँ, ये हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो हाउस होल्ड जो लैब कन्फर्म केस के कॉन्टैक्ट्स को देने का शुरू किया है, इसको टाइम लगता है। ये अगर आपने प्रोफिलैक्टिक करके दे रहे हैं तो इसका मायना क्या है कि मैंने वो गोली लेने के वजह से मुझे बीमारी लगने का डर ये कम होगा क्या? तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ये थोड़ा रहना चाहिए। अगर मैं जितना छोटा रखूं तो उसमें मुझे दिखाई नहीं देगा डिफरेंस क्या है करके, तो ये तो चालू है। अब रहा सवाल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए, हम ट्रीटमेंट वाला रोल देख रहे हैं क्या? वो जो स्टडी है वो सिर्फ 30 पेशेंट की है,
30 पेशेंट के स्टडी के ऊपर हम उसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकेंगे क्या, ये सवालिया निशान रहेगा। कुछ लोग बोलेंगे मैंने करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, शायद मैं दूसरे कैंप में कहूं, मुझे नहीं लगता है कि इतना एडिक्वेट एक्सपीरियंस है अभी कि जिसके ऊपर से मैं उसको ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। सर लेट मी ऐड ऑन टू दैट। सी लेट अस अंडरस्टैंड, देयर इज अ लिमिटेड एविडेंस विद रेस्पेक्ट टू एफिकेसी ऑफ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन। हाउएवर, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं, इवन दो देर इज अ लिमिटेड एविडेंस, सो एज टू एंश्योर दैट एटलीस्ट, बिकॉज एटलीस्ट ए लिमिटेड एविडेंस इज देयर, वी हैव अलाउड इट एज ए प्रोफाइल एक्सेस। देर इज नॉट सफिशियंट एविडेंस टू टेक इट एट ए कम्युनिटी लेवल, एंड दैट इज वाई वी हैव वेरी क्लियरली, जब हमने इसकी एडवाइजरी भी जारी की थी तब मैंने आप सबको फिर बताया था कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बिकॉज वी हैव अलाउड इट बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस इन सम लोकेशंस, बिकॉज उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक कम्युनिटी में एक परसेप्शन गलत क्रिएट हो कि ये कोई भी ले सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, तो टेक्निकल गाइडेंस को हम फॉलो करें और उस गाइडेंस के तहत ही अगर किसी को एडवाइस किया जाए वो ये दवाई लें, जिनको एडवाइस नहीं किया जा रहा है आई विल सिंसियरली अर्ज वो इस दवाई को नहीं लें। लास्ट क्वेश्चन 174। What is the current number of tests that are being done in a day, and what is the capacity, and is there any plans to increase this testing capacity? इस वक्त हम अगर बात करें तो करंट कैपेसिटी जो हम बार बार बोल रहे थे 13,000 की, वो अगर हम दो शिफ्ट्स में करना शुरू करें तो वो आराम से वो 25,000 के ऊपर जाएगी। हमने सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल किए तो मैं अभी बोलूंगा नहीं, वो संख्या काफी इतनी बढ़ जाएगी कि आप। तो केंद्र सरकार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अने तेमा कोरोनानी स्थिति शू छे, हाल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार तरफ थी कया कया पगला भरवामां आवी रह्या छे ते अंगे पण कहेवामां आव्युं, परंतु आ बधानी वच्चे खास वात तो ए छे के सोशल डिस्टन्सिंग आ જે કેસો વધી રહ્યા છે તેમાં જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। 24 કલાક પણ આપને સતત અપીલ કરી રહ્યું છે કે ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો,